हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मंजू और आप देख रहे हैं मंजू की बगिया। फ्रेंड्स, इस समय हमारे गार्डन में पिटूनिया बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग कर रहे हैं और ये विंटर फ्लावर हैं। काफ़ी खूबसूरती से इस समय इनकी ब्लूमिंग चल रही है और सारे पॉट को इन्होंने फ्लावरिंग से भर लिया है। देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं, तो पिटूनिया आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। और कई फ्रेंड्स ने लगाए भी हैं, कुछ हमारे बिगनर्स दोस्त हैं जो पिटूनिया लगाना पसंद करते हैं और अभी वो नई नई गार्डनिंग करना स्टार्ट किए हैं। तो आज की वीडियो मेरी उन्हीं पे है और मैं उन फ्रेंड्स को अपने बताना चाहती हूँ कि अगर वो पिटूनिया लगाने के लिए शौकीन हैं और पिटूनिया को लगाना है तो उसको फ्लावरिंग के समय किस तरह से देखभाल करनी है ताकि वो काफ़ी दिनों तक फ्लावरिंग बनी रहे। अभी मार्च में देख सकते हैं कितनी अच्छी फ्लावरिंग चल रही है पिटूनिया में, भर भर के फूल आए हुए हैं, यहाँ तक कि पॉट के नीचे तक ये लटक रहे हैं। इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, काफ़ी खूबसूरत कलर हमारे पास हैं और अब मैं इन्हें कुछ दिनों तक इसी स्टेज पर रोकने की पूरी कोशिश करूँगी। और मैं चाहती हूँ कि मैंने जितनी मेहनत की है वो तो उस हिसाब से मैं इनकी ऐसी केयर करूँ जिससे कि ये काफ़ी दिनों तक हमारे गार्डन में बने रहें और मैं इनके फूलों का आनंद उठाती रहूँ। यही सब बातें आज हमारी इस वीडियो में है, तो आप हमारी वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए जानते हैं पिटूनिया को किस तरह से केयर करनी है ताकि हमारे गार्डन में पिटूनिया अच्छी तरह से बनी रहे और काफ़ी दिनों तक फ्लावरिंग आती रहे। अगर आप पिटूनिया को कहीं टेरेस पर रखते हैं तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि पिटूनिया में आप पानी की कमी मत होने दीजिएगा। इसकी मिट्टी में इस तरह से मॉइस्चर बना होना चाहिए ताकि इसमें एनर्जी बनी हो। और अभी आप देख सकते हैं मैंने इसको शाम को पानी दिया हुआ है, मिट्टी में काफ़ी मॉइस्चर बना हुआ है। तो पिटूनिया को इस समय पानी पसंद है क्योंकि इसकी मिट्टी ज़्यादा ड्राई होती है तो इसके फूल मुरझा से जाते हैं। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, अगर आपको पिटूनिया कहीं शेड में रखी है तो आप उतना ही पानी दें कि जितना इसको ज़रूरत हो, यानी कि मिट्टी में मॉइस्चर बना होना चाहिए, बस इतना ही। अगर शेड में आपने रखे हैं और ज़्यादा पानी देते हैं तो पानी से वो ख़राब हो सकते हैं और उसकी मिट्टी गीली होने की वजह से प्लांट आपका डैमेज हो सकता है। अगर आप कहीं धूप में रखते हैं तो बस इतना ही ध्यान रखें कि इसकी मिट्टी ड्राई नहीं होनी चाहिए। पिटूनिया को पानी इतना ही चाहिए कि जितना इसकी मिट्टी में मॉइस्चर बना होना चाहिए, तभी ये आपके गार्डन में अच्छी तरह से काफ़ी दिनों तक ब्लूमिंग पे रहेंगी और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेंगे और इनके कलर भी सेम बने रहेंगे और ये आगे भी फ्लावरिंग करते रहेंगे। अगर पानी की कमी हुई तो इनके कलर फेड हो जाएंगे, प्लांट आपका मुरझाने लगेगा और डेड भी हो सकता है। तो इसलिए से जितनी आपने मेहनत की है उस हिसाब से आप इसको कुछ दिनों तक ऐसे रोकिए ताकि आप इनके फूलों का आनंद उठा सकें। तो इसी तरह से मैं अपने पिटूनिया को देखभाल करती हूँ और हमारे गार्डन में पिटूनिया अभी तक बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग पे है। मैं इनको कम से कम मई तक इसी तरह से रखूँगी और क्योंकि अभी मार्च चल रहा है और अप्रैल में भी ये इसी तरह रहेंगे, क्योंकि मैं समय समय से अपनी वीडियो आप लोगों से शेयर करती रहूँगी और मैं दिखाऊँगी कि मेरे पिटूनिया की क्या हालत है और किस समय कैसे वो फ्लावरिंग कर रहे हैं। क्योंकि मेरे तो टेरेस पे लगे हुए हैं और धूप बहुत तेज़ हो रही है इस समय, पूरे दिन की धूप में फूल मुरझा से जाते हैं। तो पानी अगर इनको आप समय समय से देते रहेंगे तो इनकी एनर्जी लेवल बनी रहेगी और ये इसी तरह से फ्लावरिंग करते रहेंगे, इनकी कलर की खूबसूरती और काफ़ी फ्लावरिंग आती रहेगी। यही सब बातें हैं पिटूनिया पे। तो अगर इसमें आप इन सब चीज़ों का ध्यान देंगे तो पिटूनिया आपके गार्डन में बने रहेंगे। अभी इनको आप समय समय से थोड़ा फर्टिलाइज़र वगैरह दे सकते हैं, जैसे कि मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र मैंने इनको दिया हुआ है और अभी मैं इनको देती ही रहूँगी क्योंकि अभी ये बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग पे आ गए हैं और मैं इनको चाहती हूँ कि ये हमारे गार्डन में अभी कुछ दिनों तक इसी तरह बने रहें। अगर इनमें सूखे सूखे फूल हो रहे हैं, कुछ फूल इनमें आ कर के ख़त्म भी हो रहे हैं, तो आप उनको समय समय से हटाते रहें ताकि वो नई ग्रोथ कर सकें और उनमें फ्लावरिंग होती रहे। इस तरह से आप सूखे फूलों को हटाइए और आपके गार्डन में नई नई ग्रोथ प्लांट में स्टार्ट होगी और उसमें फूल आते रहेंगे। अगर आप इनको छोड़ देंगे और नहीं इनको हटाएंगे तो इसमें बीज बनने लगेंगे और जब ये प्लांट बीज बनाने लगेगा तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है।
फिर वो ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाते हैं, तो आप इनके पुराने फूलों को हटाते रहिए। अभी इनमें आप बीज मत बनने दीजिए, नहीं तो आपके प्लांट फ्लावरिंग करना बंद कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इनको निकालते रहिए तो आपके प्लांट अच्छे बने रहेंगे। बस कुछ बातें ऐसे ही हैं कि जिनका ध्यान रखेंगे तो पिटूनिया अभी आपके गार्डन में कम से कम मई तक चलेंगे, और मैं इनको मई तक रखूंगी अपने गार्डन में और दिखाऊंगी कि किस तरह से मेरे गार्डन में पिटूनिया अभी तक बने हुए हैं, और मैं इसी तरह से रखती हूँ तभी हमारे गार्डन में पिटूनिया काफ़ी दिन तक फ्लावरिंग करते हैं। बस इनको आप थोड़ा सा धूप से बचाइए, यदि आपने कहीं धूप में रखा है तो आप पानी समय से देते रहिए, मिट्टी में मॉइस्चर बना होना चाहिए। शेड में अगर आपने रखा है तो पानी का उतना ही ध्यान दें कि जितना कि बस इसकी मिट्टी में मॉइस्चर बना हो, उससे ज़्यादा पानी आप ना दें। यही सब बातें हैं, और इनके पुराने फूलों को आप हटाते जाइए। अभी आप इनको कुछ दिनों पे मस्टर्ड के लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहिए तो आपके गार्डन में पिटूनिया बनी रहेगी और इसमें इसी तरह से फूल आते रहेंगे। ये हैं हमारे सारे पिटूनिया, और मैंने आप लोगों से शेयर किए हुए हैं मुझे इन्हें किस तरह से अभी अपने गार्डन में रोक कर रखना है, ये सब मैंने आप लोगों से शेयर किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो आप भी इसी तरह से अपने इन पिटूनिया के प्लांट्स को फ्लावरिंग के लिए रोक करके रख सकते हैं, और ये आपके गार्डन में अभी काफ़ी दिनों तक फ्लावरिंग करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो प्यारे प्यारे कमेंट करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।